नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल और उनके भाई पर 16 जुलाई को जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद हमलावरों को पुलिस ने 151 में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया था। जमानत पर छूटने के बाद हमलावर अब पीड़ित पत्रकार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए इस रिपोर्ट। प्रदेश के उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल व उनके भाई पर बीती रात 16 जुलाई को जानलेवा हमला हुआ था। धीरेंद्र उर्फ अंशु, बबलू सिंह, नारायण सिंह व छोटू सिंह ने यह हमला किया था। हमलावरों ने पत्रकार को सोने की 18 ग्राम की चेन व सोने की मोती से बनी माला को लूटा था। हमलावरों के खिलाफ माकी पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की थी। लूट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन घटना के 72 घंटे बाद भी पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए चारों हमलावरों को पकड़कर 151 जेल भेजा था। जमानत पर छूटने के बाद हमलावर व उनके परिवारजनों सोशल मीडिया पर फर्जी खबर बनाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। हमलावर मुकदमे को वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित पत्रकार ने अपनी सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस कप्तान को पत्र दिया है। विष्णुकांत उर्फ दउआ व धर्मेंद्र सिंह सोशल मीडिया पर फर्जी खबर बनाकर उन्हें अपमानित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पत्रकार के खिलाफ अपशब्द लिखे जा रहे हैं। पीड़ित पत्रकार व प्रेस क्लब ने पुलिस कप्तान आनंद कुलकर्णी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। न्याय न मिलने पर पत्रकार और पत्रकार संघ आंदोलन करेगा। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से पत्रकार को मिल रही है जान से मारने की धमकी। पीड़ित पत्रकार की मांग पर मुकदमा दर्ज करने के साथ प्रशासन उसकी सुरक्षा भी तय करे। क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था पूरा आपके साथ में? बिल्कुल बताना चाहूँगा, 16 तारीख रात में मैं बाकी थाने से करीब 1:30 बजे घर वापस जा रहा था। चकोही चौराहे पर धीरेन्द्र सिंह उर्फ अंशु, बबलू सिंह का पिता और उनके चचेरा भाई नारायण और छोटे, इन लोगों ने हम पर जासूसा गालियाँ देते हुए हमला किया, क्योंकि नशे हालत में उठे। उसके बाद में जब मैंने सबसे पहले फ़ोन उनके पिता को मिलाया, बबलू सिंह को, तो वो जब से आए तो आदमी आता है तो कम से कम बात समझता जानता, लेकिन आकर के हमलावर हुई, हम पर हमला किया, मारपीट किया। हमारे साथ में हमारा भाई मौजूद था और उसके साथ साथ में हमारे साथ में गले में सोने की चेन थी 18 ग्राम, उन्होंने वो भी खींच ली, कपड़ा भी फटे। आपने लिखित में एप्लीकेशन दी थाने पर, क्या कार्रवाई? बिल्कुल, 17 तारीख को मैंने थाने में लिखित एप्लीकेशन दिया। पुलिस ने बहुत ही दबाव के चलते वो मुश्किल में 392 का मुकदमा दर्ज किया। 3 5 4 5 392 उन्होंने कहा कि मुकदमा जो लूट कटा दीजिए, बाकी जो बताओ हम लिख देंगे। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वही दिखाऊंगा, वही करूंगा। ना ही मैंने किसी तरह से गलत चीज़ का सहारा लिया, ना ही मैंने ये कहा कि लूट हमारे साथ पैसा ले लिया, हमारे साथ 5 लोग अज्ञात थे और 10 लोग नामजात थे, जो था वहाँ मैंने वही बताया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, जैसे कि पुलिस ने क्या किया, उसी मामले में 151 उनको कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया। उसके बाद में पुलिस अब वो लोग सोशल मीडिया पर फेसबुक के माध्यम से फर्जी पोर्टल बना करके हमारी छप खराब करने का काम कर रहे हैं, उल्टा सीधा आरोप लगा रहे हैं, दलाल बता रहे हैं। तो मैं तो प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मुझे यह जाँच पूरी तरह जाँच चाहिए और ये साबित करें कि किस तरह से मैंने दलाली की, कहाँ पर किया, फर्जी पत्रकार हूँ तो कहाँ से हूँ, ये जाँच साबित करें। और आज मैं कप्तान से मिला हूँ, उनको मैंने ये शिकायती पत्र दिया है और मैंने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि मेरे जान का खतरा है लगातार बना हुआ। ऑलरेडी कई लोगों के माध्यम से उनको धमका डरा रहे हैं कि प्रशासन, कप्तान का कहना है हम जाँच पहले करा चुके हैं, उसके बाद जाँच करा के कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम इतना जो कर चाहूँगा, अगर न्याय ना मिला मुझे तो मैं कप्तान साहब की आवाज़ के बाहर बैठकर मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। यहाँ पे मैं न्याय मांगूंगा, मुझे न्याय चाहिए। मैं यही मांगता हूँ प्रशासन से कि मेरा गुनाह क्या है, मेरा गुनाह क्या, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यही मानता हूँ बस।